But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मेडिनेस। तो गाइस आज हम बात करेंगे वेनम मूवी के बारे में, जो कि अक्टूबर में एक अपकमिंग सुपर हीरो मूवी है। क्योंकि अब हमें एमसीयू की मूवी देखने के लिए 9 मंथ का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एंड विन द वास के बाद अब ये काफी लॉन्ग पीरियड हो गया, तो हमें वेनम पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। अब वेनम से रिलेटेड एक कमाल का अपडेट ये आया है कि आपको अपकमिंग वेनम मूवी में उसके चेस्ट पर एक वाइट रंग का लोगो दिखेगा, जो कि स्पाइडरमैन लोगो जैसा हूबहू होगा। अब इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है, जो कि इंटरनेट और फैंस ने रिजेक्ट कर दिया है, और वो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि वेनम मूवी में जब स्पाइडरमैन नाम का कोई कैरेक्टर ही नहीं है, तो व्हाइट लोगो लगाने का मतलब ही क्या है। जी हाँ, और इसका स्टोरी बेस बोर्ड मैं आपको बता दूँ। जब सिम्बियोट अर्थ पर आया था और वो स्पाइडरमैन से सबसे पहले डायरेक्ट कनेक्टेड हुआ, तो सिम्बियोट उसकी जैसी हूबहू नकल करके एडी ब्रॉक से अटैच हो गया। फिर उसके बाद वेनम के शरीर में से जो सिम्बियोट जाल के तौर पर निकलता है, जो उसकी चेस्ट में लोगो आता है, वो स्पाइडरमैन से उसे मिला है। जब सोनी यूनिवर्स में वेनम की मूवी में स्पाइडरमैन कैरेक्टर है नहीं है, तो ये व्हाइट लोगो चेस्ट पर कैसे आया? क्वेश्चन सबसे बड़ा ये उस रहा है। अभी तक तो मुझे पता नहीं चला ऐसा क्यों है, बट देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या होगा वेनम मूवी में, और देन क्या हो सकता है लोगो का राज। और आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देन गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर कंडेज के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।